एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर स्ट्रॉहैट पायरेट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी बोलता है कि ये बोट तो काफ़ी ज़्यादा धीमी है। और ये कहने के बाद वो आगे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर होते हैं बड़े बड़े पेड़, जिसे देख कर उसॉप बोलता है कि ये तो वही जंगल है। और इसी जंगल के अंदर वो कुर्बानी वाली जगह भी है, जहाँ पर अभी हमारे दोस्त हैं। और इसके बाद वो सब आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उसॉप अपने आसपास टूटी हुई शिप को देखकर बोलता है कि आखिरकार इन सब शिप को किसने तोड़ा होगा। और इसके बाद हमें वो चीज़ दिखती है जो आगे जाने वाली हर चीज़ को तोड़ रही होती है, जिसे देखकर लूफी बोलता है कि हमें कुछ भी करके इस चीज़ से बचना होगा। और इस सब के बाद स्ट्रॉहैट पायरेट बहुत ज़्यादा मुसीबतों के बाद उससे निकल जाते हैं। और जैसे ही वो आगे जाते हैं, वैसे ही उनके ऊपर बहुत सारी लकड़ियों से हमला होने लगता है, जिसे देखकर लूफी अपने डेविल फ्रूट की मदद से अपनी बोट को बचा लेता है। जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि ये जगह तो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और तभी पीछे से एक अजीब सी चीज उन सब की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर वो सब बोलते हैं कि आखिर ये सब कब ख़त्म होगा। फिर यहाँ पर बाकी स्ट्रॉहैट पायरेट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ोरो बोलता है कि ये कौन सी जगह है, जिसे देखकर रॉबिन बोलती है कि इस जगह को देखकर तो ये लगता है कि यहाँ पर भगवान को कुर्बानी दी जाती है। जिसे सुनकर चॉपर नामी से बोलता है कि कुर्बानी का क्या मतलब होता है। नामी चॉपर से बोलती है कि इसका मतलब ये है कि जिंदा चीज़ों को भगवान को दे देना। जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि तो फिर तो ठीक है, मैं तो डर ही गया था, क्योंकि मुझे ये लगा कि इसमें हमें मार दिया जाएगा। पीछे से रॉबिन चॉपर से बोलती है कि कुर्बानी में बस तरीका अलग होता है, पर मरना बिल्कुल पक्का है। जिसे सुनकर चॉपर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, और इसके बाद वो वहाँ से नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसे देखकर रॉबिन अपने डेविल फ्रूट की मदद से चॉपर को बचा लेती है। पर तभी पीछे से वहाँ पर एक बड़ा सा जानवर आ जाता है, जिसे देखकर ज़ोरो चॉपर को बचाने के लिए उससे लड़ने के लिए चला जाता है, पर पानी होने की वजह से वो उसे नहीं मार पाता। और इसके बाद वो फिर ज़ोरो को ऊपर की तरफ ले जाने लगती है। फिर यहाँ पर स्ट्रॉहैट पायरेट्स को दिखाया जाता है, जो उस अजीब सी चीज़ से बहुत मुश्किल से बच जाते हैं। और इसके बाद वो आगे की तरफ जाने लगते हैं, और इस बार उनके सामने एक अजीब सा जानवर आता है, जिसे देखकर शांजी उसे आराम से मार देता है। और वो बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस मिल्की रोड से आगे जाना होगा, क्योंकि ये रोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। फिर यहाँ पर वापस से उस कुर्बानी वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉपर नीचे देखकर बोलता है कि क्या ज़ोरो बिल्कुल ठीक होगा। और तभी ज़ोरो और वो फिश उस पानी के अंदर से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर ज़ोरो उस फिश को एक मुक्का मार के हरा देता है। और इसके बाद वो ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर नामी उससे बोलती है कि तुम तो एक तलवारबाज हो, तो तुमने उसे अपनी तलवार से क्यों नहीं मारा। जिसे सुनकर ज़ोरो नामी से बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। और इसके बाद वो बोलता है कि वो फिश अकेली नहीं है, बल्कि यहाँ पर और भी फिश हैं जो हमारे नीचे उतरने का इंतज़ार कर रही हैं, और अगर हम सब नीचे गए तो फिर उन सब के हाथों मारे जाएंगे। और इसके बाद वो चॉपर से बोलता है कि तुम जाकर शिप को ठीक करने की कोशिश करो, तब तक मैं जाकर इस जंगल को घूम कर आता हूँ, क्योंकि जबकि अब हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं तो हमें इस जंगल को अपना अड्डा बना लेना चाहिए। और वैसे भी मुझे पता है कि लूफी और बाकी सब अब तक हमें ढूंढने के लिए निकल चुके होंगे। चॉपर ये सुनकर ज़ोरो से बोलता है कि वैसे तुम इस जंगल में क्यों जाना चाहते हो। जिसे सुनकर ज़ोरो चॉपर से बोलता है कि इस आइलैंड पर भगवान रहते हैं, तो फिर मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ। चॉपर ये सुनकर ज़ोरो से बोलता है कि तुम तो मुझे भगवान से भी ऊपर लगते हो। नामी ज़ोरो से बोलती है कि तुम भगवान से मिलने नहीं जा सकते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। जिसे सुनकर ज़ोरो बोलता है कि माफ़ करना, पर मैं भगवान में भरोसा नहीं करता। चॉपर ये सुनकर बोलता है कि ज़ोरो तो काफ़ी ज़्यादा कूल है। पीछे से रॉबिन ज़ोरो से बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, क्योंकि ये जगह 1000 साल पुरानी है
और ऐसी पुरानी जगह मुझे अपनी तरफ खींचती हैं, और जहाँ पर ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आसपास पुराना खजाना भी होता है, जिसे सुनकर नामी बोलती है कि तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो एक रस्सी को ऊपर पेड़ से बांध देता है, और इसके बाद वो बोलता है कि अब सब बिल्कुल ठीक है, और ये कहने के बाद वो वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है, वो भी बिल्कुल टार्जन की तरह आवाज़ निकालते हुए, जिसे सुनकर नामी बोलती है कि उसे ऐसी आवाज़ निकालने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर रॉबिन भी बड़े आराम से दूसरी तरफ चली जाती है, जिसे देखकर नामी बोलती है कि मैं भी ये कर सकती हूँ, और ये कहने के बाद वो वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है और रॉबिन उसे पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो भी दूसरी तरफ आ जाती है, जिसे देखकर ज़ोरो नामी से बोलता है कि वैसे तुम्हें टार्जन वाली आवाज़ निकालते हुए आना चाहिए था, जिसे सुनकर नामी बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो। यहाँ पर ज़ोरो चॉपर से बोलता है कि अपना ध्यान रखना और साथ ही शिप का भी ध्यान रखना, और ये कहने के बाद वो तीनों जंगल के अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर चॉपर बोलता है कि नामी तो ज़ोरो और रॉबिन के साथ है इसलिए वो बिल्कुल ठीक रहेगी, और इसके बाद वो बोलता है कि मैं भी उन सब की तरह बहादुर बनना चाहता हूँ, और इसके बाद वो बोलता है कि मैं इस जंगल में अकेला अपनी शिप का ध्यान रखूँगा, और इसके बाद वो एकदम से रुक जाता है और वो बोलता है कि एक मिनट रुको, मैं तो अकेला हूँ, और ये कहने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि सबसे ज़्यादा खतरे में तो मैं हूँ। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो उस बड़े से जानवर को मारकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और उन सब के सामने होती है एक अजीब सी चीज़, जिसे देखकर लूफी बोलता है कि वो क्या चीज़ है। उसॉप उसे देखकर बोलता है कि ये तो चार रास्ते हैं और शायद चारों के चारों रास्ते अलग अलग जाते होंगे क्योंकि उन सब का नाम भी अलग अलग है, तो फिर हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए।